हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं आपके लिए पैनासोनिक के 2023 के 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर एसी की, जो कि आता है वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ। कहने में का मतलब ये एक स्मार्ट एसी भी है। तो कुछ इस तरह का इंडोर है इसका और कुछ इस तरह का आउटडोर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो पैनासोनिक ने आपको इस साल इस एसी के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और इसका जो परचेज लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो और या फिर वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। साथ इस एसी के अंदर आपको मिलने वाली है 7-in-1 कन्वर्टेबल की टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप इस एसी को 7 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको 1.6 टन पे यूज कर सकते हो, 1.5 टन पे यूज कर सकते हो, 1.3 टन पे यूज कर सकते हो, 1 टन यूज कर सकते हो, 0.7 टन यूज कर सकते हो या फिर 0.5 टन भी आप इसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और रिमोट पे ही आपको इसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं जहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको मिलती है वाईफाई की कनेक्टिविटी, जिसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन आती है, देखिए यहाँ पे पैनासोनिक मेरा ही ऐप, जिसके अंदर आप इस एसी को स्मार्ट तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, जब आप डाउनलोड कर लोगे आपका एसी कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इसका इनपुट दिखाई देगा, जिसके अंदर आप डिस्प्ले वगैरह चेक कर सकते हो, एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो, फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से इसको और बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ये देखिए पैनासोनिक मिराई के नाम से। ये वाला इसका आउटडोर आने वाला है, देखिए यहाँ पे ब्लू फिन्स के साथ आता है, ये देखिए यहाँ पे, जो कि 100% कॉपर के अंदर है। ब्लू फिन्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको कभी रस्ट नहीं लगता। और इसका जो आउटडोर है वो भी आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जिंक वगैरह की जो मेटल है वो यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल एंटी रस्ट मटेरियल के साथ बना हुआ, बिल्कुल भी इसके ऊपर रस्ट नहीं लगने वाला। कुछ यहाँ पे भी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है, जैसे कि वोल्टेज है 230 वॉट पे चलने वाला है, फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इसको 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, और जो पावर इनपुट चाहिए इसको 1290 वॉट मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 458 वॉट पे भी ये चल जाएगा। इसके अंदर जो गैस मिलने वाली है आपको, वो R32 रेफ्रिजरेंट मिलने वाला, R32 गैस मिलने वाली है, जिसका जो वेट है 850 ग्राम इसके अंदर आपको फील करना होता है, जिससे ये आपको 1.5 टन की पूरी फुल कूलिंग कैपेसिटी देगा। मॉडल की बात करें, जो इसका इंडोर का मॉडल है वो है CSTU18YKY5/1, और जो आउटडोर का मॉडल नंबर है वो है CUTU18YKY5, जो कि 5-स्टार एसी का मॉडल नंबर है। अब मैं आपको इसका इंडोर भी ओपन करके दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है देखने में। तो ये देखिए, इंडोर मैंने अभी ओपन कर दिया है, इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे भी पूरा का पूरा ब्लू फिन्स के साथ ये आने वाला है इंडोर भी, जो कि एंटी रस्ट मटेरियल के साथ आता है। इसके ऊपर भी कोई भी जंग वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको डबल डबल फिल्टर मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक इस साइड और एक इस साइड, जो कि आता है PM2.5 साइज़ का, जिसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं, यहाँ से थोड़ा नज़दीक से आपको अच्छा दिखेगा, और इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो आपके सारे फंस जाते हैं। इसको क्लीन करना काफ़ी आसान है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको निकाल के और दोबारा डाल के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको ये लगा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपने जस्ट यहाँ से पकड़ के इसको निकाल लेना है, पानी से आपको इसे वॉश कर देना है, और दोबारा से ये देखिए ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ से आपने इसको वापस से डाल देना है और इसको नीचे की तरफ फिक्स कर देना है। देखिए बड़ा आसान है, इस तरह से आपसे फिक्स कर देना, और उसके बाद इसका ये पैनल है, ये वाला पैनल, इसको आपने दबा के ऐसे प्रेस कर देना, तो ये आपका दोबारा से फिक्स हो गया है। इस तरह से आप इसके जो फिल्टर्स होते हैं उनको आप हर
15 से 20 दिन के बाद आसानी से साफ कर सकते हो, क्योंकि इसको ओपन करना काफ़ी आसान है। इसी के साथ इसके अंदर आपको ये वाला रिमोट मिलेगा जो इसको एसी को कंट्रोल करने के काम आता है। इसको आप देखिए, कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। यहाँ से ये इस एक बटन से जो ये ऑफ ऑन लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइट भी आएगी इस छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो स्मार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसके वाईफाई कनेक्टिविटी को ऑन कर सकते हो। इको मोड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी एनर्जी कंजप्शन जो है काफ़ी कम हो, तो उसके लिए इको मोड को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप इसका कूल मोड या फिर कोई भी मोड, जैसे फ़ैन मोड, ड्राई मोड, ऑटो मोड, कूल मोड, ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर को आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फ़ैन स्पीड को आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपको फ़ैन स्पीड चाहिए। स्विंग को आप एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन, जैसे भी आपको जहाँ पे भी सेट करनी है, ऑटोमेटिक करनी है या फिक्स करनी है, वो आप कर सकते हो। पावरफुल मोड को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो अगर एकदम से आपको एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो उसके लिए। डिस्प्ले ऑन ऑफ करना तो यहाँ से, ऑटो क्लीन का फीचर यूज़ करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्लिप टाइमर वगैरह सब आप यहाँ से सारा का सारा इसके साथ यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको वॉल स्टैंड भी इसके साथ मिल जाता है, जिससे आप इसको दीवार के ऊपर भी बड़े आराम से हैंग करके रख सकते हो। तो कुछ इस तरह का रिमोट आपको इसके साथ मिलने वाला है। कैसा लगा आपको ये पैनासोनिक का 5-स्टार डेटन का इन्वर्टर एसी, जो कि आता है 7-in-1 कन्वर्टेबल के साथ, और वो अपने साथ लेकर आता है वाईफाई कनेक्टिविटी? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको चेकआउट करें। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय।